आरटीओ की कृपा पात्र सरकार उपकार बस चल रही थी बिना परमिट के। मीडिया की शिकायत पर पुलिस ने किया बस को जब्त। जिला परिवहन अधिकारी बरका गोड़ की कार्यशैली में निष्क्रियता और लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया जब परिवहन अधिकारी की विशेष कृपा पात्र सरकार उपकार बस बिना परमिट के नीमच से कोटा जा रही थी। मामले की शिकायत मीडिया कर्मियों ने नीमच सिटी पुलिस को की, जिस पर थाना प्रभारी ने बस को रुकवाया और परमिट चेक किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बस को बिना परमिट के ले जाया जा रहा था। जब पुलिस ने बस मालिक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो परमिट पेश किया वहाँ 2017 का निकला, वहाँ भी टेम्परेरी था। यदि ऐसी स्थिति में बस के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो बिना परमिट की बस में यात्रियों को क्या सहायता मिल पाती। बता दें कि सरकार उपकार बस के मामले में परिवहन अधिकारी काफी मेहरबानी दिखाती है। बड़ा मामला सामने आने के बाद अब देखना है परिवहन अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सर, आज आप बस से यहाँ पर उतर गए हैं, क्या है मामला, क्यों मतलब आप परेशान हो रहे हैं इस मामले में? ये बस सर गलत नंबर से आ रही थी, इसलिए इसको यहाँ रोक लिया पुलिस वालों ने और हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। कहाँ जाना था आपको? हमें रतनगढ़ जाना था। तो कुछ कारण पता चला आपको क्यों रुका है बस को? बस अपने सही नंबर पर नहीं थी, गलत नंबर पर आने के कारण से इस बस को रोका गया। अब हम लोग आगे पहुँचने में परेशानी में, आप जो है परेशान हो रहे हैं, कहाँ जाना था आपको और क्या तकलीफ आई है? सर रतनगढ़ जाना था, तकलीफ तो ये लेट हो गए और क्या, ये पहले भी अगर इस हिसाब की कंडीशन थी तो लाना नहीं चाहिए था, जो दिया तो ऐसा जो कंडीशन है वो हर गाड़ी के साथ करना चाहिए, जिससे जवान ये लोग ध्यान रखें इस बात का कि इनकी वजह से, इनके स्वार्थ की वजह से जो दिक्कत आ रही है आम नागरिक को, वो बात नहीं होगी। तो प्रशासन को और आप लोगों को मीडिया को बोलते हैं कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पर बस के कारण से क्या परेशानी आ रही है? शादी में जाना था, आ जाते होना था, बस के कारण हम जा नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी बस में कोई जगह मिलेगी नहीं हमको। क्या बताया मतलब पुलिस ने जो बस रुकी इस कारण? ये तो बस का कारण तो नहीं बताया हमें कि बोले कि कल जाएगी बस, हमें जाएगी बस। ये बस के कारण आपको परेशानी हो रही है, क्या कारण रहा है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रही है इस कारण? आप उतर क्यों गए यहाँ? ऊपर बस को जो है खड़ा करवाया गया है, क्या है मामला? इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि बस है नीमच से कोटा जाती है, बिना परमिट के जा रही है। सूचना पर बस को रोककर चेक किया गया तो मौके पर उसका परमिट नहीं मिला, तो बस को विधिवत जब्त किया गया, इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सर परमिट पुराना था उसके पास, पुराना परमिट का, नया परमिट मौके पर नहीं मिला। ये सर परमिट कब? 2017 का है परमिट है उनके पास में, नया परमिट नहीं। सर 2017 का ही परमिट मिला।